क्योंकि उनके अंदर कूटनीति नहीं थी। राजनीति तो करते थे लेकिन कूटनीति कभी नहीं करते थे, और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा इस सब चीजों का। न जाने हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को विधायक बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बहुत तरह की समाज में लोग होते हैं। आजकल जो होनहार होगा, करने वाला होगा, उसको पीछे ढकेलेंगे। ये बहुत अंतर आ गया है। राजनीतिक परिस्थितियां डवाडोल हुई हैं। जब 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 लोगों ने प्रहार करने की कोशिश किया है, तब तक माननीय कल्याण सिंह जी हमारे साथ खड़े रहे, पूरा आशीर्वाद दिए और मुझे आगे बढ़ाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े राजनेता कल्याण सिंह का निधन हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए कल्याण सिंह बाबूजी, जिनको राजनीति में कहते हैं, उनकी यादों को बताने के लिए किस तरह का व्यक्तित्व है, हमारे साथ बात करने के लिए कुसुम राय जी हैं। मैम, किस तरीके की यादें हैं और कैसा व्यक्तित्व और देश की राजनीति के लिए कैसे देखती हैं कल्याण सिंह का जाना? देखिए, माननीय कल्याण सिंह का जाना पूरे भारतीय जनता पार्टी की क्षति तो है ही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की क्षति है। और मुझे लगता है कि 95 से जब मैं कॉरपोरेटर थी, तब से मैं आपके संपर्क में आई थी। मेरा जितना भी समय उनके साथ बीता है, मुझे लगता है कि ऐसा नेता होना अब असंभव है, क्योंकि उनके अंदर कूटनीति नहीं थी। राजनीति तो करते थे लेकिन कूटनीति कभी नहीं करते थे, और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा इस सब चीज़ों का। लेकिन व्यक्तित्व तो के इतने बड़े धनी थे कि जो कह दिया अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और न जाने हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को विधायक बनाया, एमपी बनाया, मंत्री बनाया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बहुत तरह की समाज में लोग होते हैं, लेकिन माननीय कल्याण सिंह का जाना बहुत बड़ी क्षति हुई है। राम मंदिर आंदोलन का जब जब जिक्र आएगा, उस आंदोलन में कल्याण सिंह के बिना वो राम मंदिर आंदोलन के इतिहास अधूरा होगा। देखिए, जब जब राम मंदिर बनेगा और लोग दर्शन करने जाएंगे, तो कल्याण सिंह का नाम अमिट अनुराग है। इसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता है। ठीक है कि कोई आंदोलनकारी होता है, कोई उसको बनाता है, बीच में बहुत सारे सफर राजनीतिक रास्ते में सफर होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन की भी जब बात करोगे, एक अच्छे नेता की भी बात करोगे, एक ईमानदारी की भी बात करोगे, तब भी कल्याण सिंह को लोग याद करेंगे। उनके शासन को, उनके प्रशासन को, उनके व्यक्तित्व को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। कल्याण सिंह के व्यक्तित्व की आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, लगता है कि कल्याण सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द मौजूदा वक्त में कोई नेता है? देखिए, अभी इस समय ये टिप्पणी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे को जो आज की राजनीति है और जो मैंने 91-92 से माननीय कल्याण सिंह जी की राजनीति देखी है, उसमें थोड़ा फर्क तो आया है। लेकिन मैं ये कह दूं कि अब इनके करीब कोई नहीं है, तो ये अभी ठीक नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह जी अपने आप में एक व्यक्तित्व के धनी हैं, और जो लोग भी अभी आएंगे राजनीति में, निश्चित है कि उनका अनुसरण करने वाले ही लोग होंगे, जिनको उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक मदद किया होगा। कुसुमता जी, आप एक सभासद से, उन्होंने कहा जाए कि एक बहुत ही राजनीति के निचले पायदान से आपको उठा करके प्रदेश स्तर की राजनीति पे लेकर के गए, इस तरह के नेता आज के दौर में क्या मिल पाते हैं कि जो अपने छोटे लेवल के कार्यकर्ता को इतना बढ़ा पाए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अब राजनीति में बहुत बदलाव आ गया है। अब उसको मुझे विस्तृत आज के दिन मत कहलवाइए, लेकिन काफी बदलाव गए। और माननीय कल्याण सिंह जी नहीं, माननीय अटल जी रहते थे, माननीय अडवाणी जी थे, ये सब लोग ऐसे थे कि जो होनहार होता था, जो काम करने वाला होता था, उसको ये लोग बढ़ाते थे आगे। आजकल की चाहे कोई दल हो, लेकिन आजकल जो होनहार होगा, करने वाला होगा, उसको पीछे ढकेलेंगे। ये बहुत अंतर आ गया है। आपकी कोई ऐसी घटना कोई याद हो जो बहुत एकदम से, आज जब इस तरीके से दुखद क्षण है, तो वो एक घटना याद आपके साथ में कि कब वो खड़े हुए, किस भाव से खड़े हुए? देखिए, जब जब राजनीतिक परिस्थितियां डवाडोल हुई हैं, जब 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 लोगों ने प्रहार करने की कोशिश किया है, तब तक माननीय कल्याण सिंह जी हमारे साथ खड़े रहे, पूरा आशीर्वाद दिए और मुझे आगे बढ़ाए। मैं उनकी ऋणी हूँ। भगवान से हमेशा ये कहूँगी कि उनको सदगति प्रदान करे, और मेरा श्रद्धा सुमन मेरे पूरे परिवार का उनके लिए अर्पित है। मेरे जैसे हजारों लोगों को उन्होंने उठाया है, मैं तो एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद।
ये थी हमारे साथ कुसुम राय। कल्याण सिंह ने कुसुम राय को सभासद से उत्तर प्रदेश के राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाया और उसी को याद कर आज कुसुम राय भी कल्याण सिंह को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि कल्याण सिंह जैसा न था, न हुआ, न है। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार।